वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे एग्जाम्स के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है, दैट इज आईआईटी जैम एग्जाम। तो आज हम जानेंगे कि एग्जाम किन लोगों के लिए होता है, मतलब क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इस एग्जाम्स को देने के लिए, और इस एग्जाम को देने से क्या होता है। तो उसके पहले हम लोग जानते हैं कि आईआईटी जैम आखिर है क्या। तो नाम से क्लियर है, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जैम का मतलब है ज्वाइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स। मतलब जो लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये एग्जाम है जिसका नाम है आईआईटी जैम। आइए बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन, या तो आप ग्रेजुएशन के फाइनल अपियरिंग में हो या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हों, तब ये आप एग्जाम्स दे सकते हैं। और दूसरा, आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और 5.5 ग्रेड स्केल, मतलब जिनका ग्रेड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स में ग्रेड्स मिलते हैं, तो ग्रेड आउट ऑफ 10 ग्रेड में 5.5 उनका ग्रेड होना चाहिए। ये कैटेगरी है जनरल या ओबीसी के लिए, सॉरी ओबीसी, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 50%, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी ग्रेड में है तो 5 ग्रेड आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि आईआईटी जैम एग्जाम्स क्या है। मास्टर्स की स्टडी के लिए आईआईटीज में या एनआईटीज में आप इस एग्जाम को, ये एक कॉमन एग्जाम है, आपको देना पड़ेगा अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं आईआईटी या एनआईटी से। और इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका मिनिमम 55% या 50% अगर आप एस सी एस टी या जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आईआईटीज में कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं आपको वहां पे एडमिशन के लिए। तो कुछ पेपर्स हैं जिनको आप दे सकते हैं। सबसे पहला पेपर है अगर आप फिजिक्स से मास्टर्स करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड फोर्थ वन इज जियोलॉजी, फिफ्थ वन इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, एंड द सिक्स वन इज बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 6 पेपर्स आपको देने होंगे अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन में, कोई सा भी स्ट्रीम है। अगर आप फिजिक्स से मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री से, जियोलॉजी से तो जियोलॉजी से, एंड सो ऑन। कोर्सेज डिपेंड करता है कि जैसे आप फिजिक्स में डिपेंड करता है तो यहाँ पे आप मास्टर्स करना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं या आप जियो फिजिक्स में जाना चाहते हैं। तो ये कोर्सेज जो है दैट विल डिपेंड अपॉन इंस्टीट्यूट्स कि किस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन से कोर्सेज नहीं है, और वो आपके रैंक के बेसिस पे डिपेंड करेगा। आप जैसा भी जैम में रैंक लाओगे तो वहां से आपको एडमिशन मिलेगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आप किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, और आपकी रैंक के बेसिस पे वो अलॉट होता है। ओके, तो अभी हम जान चुके हैं कि आईआईटी जैम एग्जाम क्या है और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन कौन से वो पेपर कंडक्ट कराता है हमारे मास्टर्स एंट्रेंस के लिए। तो आइए, जैम के अलावा भी कुछ और एग्जाम्स हैं जो आपको एमएससी के लिए या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, तो वो भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते कि और कौन कौन से एग्जाम्स हैं। तो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो एग्जाम्स में अगर हम बात करें तो एक तो आप लोग जान ही चुके हैं, दैट इज आईआईटी जैम। इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं दैट विल ऑफर यू एमएससी, कुछ इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड एमएससी भी ऑफर करते हैं और वेरियस अदर कोर्सेज। ठीक है, एक दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है दैट इज कॉल्ड जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसका भी एक अपना एक एग्जाम होता है एंड दैट विल कंडक्ट, but that is only for your masters. Okay. Or there is one exam called TIFR that is mainly for science students in physics or chemistry. So ek TIFR ka exam hai, TIFR will
पीएफआर का एग्जाम सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी के कोर्सेज के लिए है आफ्टर ग्रेजुएशन। और एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम है जिसका नाम है जेस्ट, JEST, ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। जेस्ट एग्जाम्स आपका एक कॉमन एग्जाम है कई सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो इसमें आपको दोनों चीजें मिल सकती हैं, आपको मास्टर्स भी मिल सकता है और इंटीग्रेटेड पीएचडी भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं। तो अभी तक जो HRI है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इलाहाबाद में है, ये आपको मास्टर्स प्रोवाइड करा। जस्ट एग्जाम में आपको इंटरव्यू फेस करना होगा मास्टर्स और इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों कोर्सेज के लिए। तो अगर आप HRI के लिए कर रहे हैं तो HRI में मास्टर्स के लिए आपको इंटरव्यू पहले फेस करना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड पीएचडी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जस्ट के थ्रू इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, जैसे आपका TFR भी जस्ट के थ्रू एडमिशन लेता है। वन इज इंस्टीट्यूट IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी जस्ट के थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। एंड IMSc, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस इन चेन्नई। एंड वन इज TFR, वन इज IUCA, IUCAA IUCA। तो और सारे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जस्ट के थ्रू। एंड हाँ, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, IIT जैम की रैंक के बेसिस पे आपको IISc में कॉल लेटर आ सकता है, कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। फॉर इंटरव्यू किस कोर्स के लिए? दैट इज इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो IISc एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, सॉरी IISc एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जैम और जेस्ट के बेसिस पे आपको कॉल करेगा फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी के कोर्सेज के लिए। और इसके बाद बात आती है कुछ स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज की, दैट इज स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है, दैट इज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड फॉर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड द थर्ड वन इज योर, मतलब यू कैन कॉल BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो ये आपके बाद साइंस के बच्चों के लिए ये स्ट्रीम्स हैं, और जस्ट मेनली ये फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और एक दो कोर्सेज और हैं जिनके लिए ये कंडक्ट कराता है। तो IIT जैम बेसिकली आपकी रैंक के बेसिस पे डिपेंड करता है। IISc में इंटरव्यू देने के लिए आपकी रैंक अंडर 100 होनी चाहिए, अगर आप अंडर 100 में हैं तो आपको IISc से कॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। JNU अपना एक अलग एग्जाम्स कराता है मास्टर्स के लिए, TFR इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, और जस्ट एक कॉमन एग्जाम है। कुछ इंस्टीट्यूट मास्टर्स कराते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड पीएचडी कराते हैं, और जस्ट के थ्रू आपको हर जगह इंटरव्यू फेस करना होगा। कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, दैट इज आइजर। आइजर में इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज होते हैं इन साइंस स्ट्रीम्स, और इनका जो इंटरव्यू होता है दैट इज बेस्ड अपॉन जैम रैंक, मतलब IIT जैम की रैंक के बेसिस पे और जेस्ट स्कोर के बेसिस पे ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, इंटरव्यू कॉल। तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको जैम और जेस्ट के थ्रू आपको आइजर्स में अप्लाई करना पड़ेगा, जैम और जेस्ट की रैंक के बेसिस पे आपको शॉर्ट आउट करेंगे और वहां से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और एक इंस्टीट्यूट और है, दैट इज नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए है एंड और इसका भी सेम प्रोसेस है कि, लेकिन ये जेस्ट के थ्रू पे लेता है, ये जैम के बेसिस पे आपको कॉल नहीं करता। तो नाइजर में एडमिशन के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी के कोर्स के लिए जेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि जेस्ट और जैम, ये जेस्ट के थ्रू बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें एडमिशन मिलता है। तो जैम, जेस्ट और TFR, दीज आर द गुड एग्जाम्स। तो अभी तो ये कॉमन डिटेल था कि जैम क्या है एग्जाम्स के बारे में। अब इस चैनल पे जब भी फ्यूचर में हम बात करेंगे तो वी विल बी ओनली डीलिंग अबाउट IIT जैम इन फिजिक्स। तो ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो IIT में एडमिशन करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, और फिजिक्स स्टडी करना चाहते हैं, फिजिक्स परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन कई और सारे रीजंस हैं, जैसे अच्छी पढ़ाई नहीं होती, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, और
स्टडी मटेरियल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फिजिक्स के बच्चों के लिए जो फिजिक्स में पढ़ना चाहते हैं वो सभी आपको इस चैनल में आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। आपको फिजिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफरेंस करना चाहिए, कौन कौन सी स्टडी मटेरियल आपको देखना चाहिए, कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनफैक्ट कि सारे टॉपिक्स जितना भी फिजिक्स में कवर होता है वो मैं खुद यहाँ पे सारे फिजिक्स, पूरी फिजिक्स यहाँ पे आपको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको ऑनलाइन ही सारे लेक्चर, सारे प्रॉब्लम, डिस्कशन, एवरीथिंग इज इन ऑनलाइन। और सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें।